हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं महेंद्र तिवारी, MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर टॉम सायर की कहानी बताई थी। टॉम सायर एक छोटा सा शरारती लड़का। आज इसी लेसन में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे जो आपकी बुक में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉम सायर की कहानी। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के फर्स्ट लेसन, लेसन फर्स्ट, टॉम सायर का फर्स्ट पोर्शन। हेडिंग आप लोगों की बुक में होगी, दिस इज टॉम सायर। दिस इज टॉम सायर, यानी यह टॉम सायर है, यह टॉम सायर है। टॉम सायर लड़के के बारे में कहानी, उसका जीवन, उसका परिचय, कैसे उसने क्या किया, कैसे शरारती, कैसे जैम चुराया, कैसे मुरब्बा चुराया, आगे आप लोग इस पैसेज में पढ़ेंगे। देखिए कहानी में होता क्या है कि टॉम एक शरारती लड़का था। हमने आपको पहले भी बताया है, उसकी मौसी उसे लाती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं, परंतु उसकी मौसी स्ट्रिक्ट रहती हैं कि बच्चा बिगड़ने ना पाए। बच्चे को डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का तो बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए टॉम की मौसी उसका पालन पोषण करती है, उसे बहुत प्रेम करती हैं, परंतु टॉम को लेकर स्ट्रिक्ट भी रहती हैं। छोटी छोटी गलतियां टॉम करता रहता है, उसकी मौसी जी उसे समझाती रहती हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, घर पर मना करते हैं उसे। एक तरह से टॉम के बारे में कहानी है। स्टार्ट होता है कि टॉम की मौसी, जिसे फिल्म दिखाया जाता है, स्टार्टिंग होती है कि टॉम की मौसी जो है घर भर में टॉम को ढूंढ रही है। टॉम ने रियली में क्या किया था, टॉम ने वास्तव में मुरब्बा चुराया था। मुरब्बा चुराने के बाद टॉम, बच्चे कुछ कभी गलतियां कर देते हैं तो वो छुप जाते हैं, तो टॉम छुप गया था। उसकी मौसी उसको इधर उधर ढूंढ रही थी, परेशान हो रही थी। आइए देखते हैं कि क्या होता है, उसकी मौसी उसे पाती हैं कि नहीं पाती हैं, क्या सजा देती हैं, देखिए। This is Tom Sayer. यह Tom Sayer है। मौसी जी टॉम को बुलाती हैं। टॉम जब कोई घर में किसी को पुकारता है तो उसका नाम लेकर पुकारता है, सपोज दैट उसी तरीके से मौसी जी भी टॉम को बुला रही हैं। टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है। टॉम और नो आंसर का मतलब हुआ कि जब मौसी जी टॉम को बुलाती हैं तो कोई भी जवाब, कोई भी आवाज़, यानी कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। टॉम कहीं से बोले कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, इस तरीके से कुछ नहीं होता है कि टॉम बोले कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ मौसी जी, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो गलती की थी, वो तो छुपा था। तो टॉम देखिए कैसे क्या करता है, टॉम नो आंसर, टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मौसी जी ने उसको आवाज़ दी, टॉम, टॉम बेटा कहाँ हो, टॉम, नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। मौसी जी को समझ में आ जाता है टॉम जरूर यही कहीं छिपा होगा, उसने कोई गलती की है इसीलिए सामने नहीं आ रहा है, डर रहा है। तो मौसी जी टॉम को बुलाती हैं, टॉम नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता। पुनः बुलाती हैं टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है। जब कोई बात होती है तो हम लोग अपने मन में सोचते हैं, इसी प्रकार मौसी जी सोच रही हैं कि टॉम यहीं कहीं होगा, आसपास ही छुपा होगा, छोटा सा बच्चा है कहाँ जाएगा। उसके बाद देखिए टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, बुलाती हैं टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता। फिर बुलाती हैं टॉम, नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिलता है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, कैन ही बी, बी का मतलब होता है होना, वह कहाँ हो सकता है। अपने मन में मौसी जी सोच रहे हैं कि वो कहाँ हो सकता है, दो बार बुलाया टॉम, टॉम, कोई जवाब नहीं। तो मौसी जी ने सोचा कि वेयर कैन बी ही, वो कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी पोली जी ने हरसेल्फ अपने आप से पूछा, अपने अपने मन में उन्होंने सोचा कि बच्चा कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, ही मतलब वह, मस्ट मतलब अवश्य, बी मतलब होगा, समवेयर का मतलब कहीं और हेयर का मतलब यही, वो अवश्य ही यहीं कहीं छुपा होगा। मौसी जी ने सोचा कि टॉम अवश्य ही यहीं कहीं छुपा होगा। सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे पर गई, सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे पर गई।
लुकड आउट इंटू द गार्डन, उन्होंने बाहर बगीचे में देखा, बाहर उन्होंने बगीचे में देखा। एंड देन शाउटेड अगेन, और तब वो दोबारा फिर से चिल्लाए, टॉम 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 टॉम, नो आंसर, दोबारा भी कोई जवाब नहीं मिलता है। यानी कि मौसी जी घर भर में टॉम को ढूंढती है, घर में ढूंढ रही थी, घर से ढूंढते ढूंढते बाहर दरवाजे पर आई, वहां भी कोई जवाब नहीं मिला, बाहर बगीचे की तरफ उन्होंने देखा दरवाजे से, कोई जवाब नहीं मिला, टॉम टॉम पुकार रही थी, कोई आवाज नहीं। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, बूढ़ी महिला स्टूड, खड़ी हो गई देयर, वहीं पर थॉटफुली सोचते हुए, बूढ़ी महिला वहीं पर सोचते हुए खड़ी हो गई कि इस तरीके से भाई कि लड़का कहाँ चला गया, लड़का उन्होंने सोचा यही कहीं होगा, लड़का कहाँ चला गया। सडनली अचानक सी हर्ड अ साउंड, अचानक उन्होंने साउंड, एक आवाज सुनी बिहाइंड हर, अपने पीछे, अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वो राउंड का मतलब होता है कि तेजी से, राउंड की वो तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी। देयर वाज टॉम, वहां पर टॉम था, नियर द कबोर्ड डोर, आलमारी के दरवाजे के पीछे वहां पर टॉम था, यानी एक आलमारी थी उसका दरवाजा था उसके पीछे टॉम था। देयर वाज जैम, देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और वहां पर टॉम के मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था, यानी टॉम मुरब्बा चुरा रहा था, टॉम मुरब्बा खा रहा था। एक बार फिर से लेसन का रिवीजन करते हैं, पैसेज का रिवीजन करते हैं। देखिए, दिस इज टॉम सायर, यह टॉम सायर है। टॉम हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, मौसी बोली कि टॉम को पुकारती है, इधर उधर बुलाती हैं, ढूंढती हैं, आवाज बार बार दे रही हैं, टॉम टॉम बेटा कहाँ हो, नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। वो पुनः बुलाती हैं, टॉम टॉम कहाँ हो, नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता है। वेयर कैन ही बी, वो कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, मौसी पोली जी ने स्वयं से पूछा, अपने मन में सोचा कि वो कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वो अवश्य ही यहीं कहीं होगा। She went to the door, वह दरवाजे पर गई। Looked out into the garden, बाहर उन्होंने बगीचे में देखा। And then, और तब shouted again, दोबारा चिल्लाई, टॉम 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 टॉम, टॉम को दोबारा पुकारा, टॉम टॉम, No answer, कोई जवाब नहीं मिला। The old lady, बूढ़ी महिला स्टूड देयर थॉटफुल्ली, सोचते हुए विचार करते हुए वहां खड़ी हो गई। सडनली अचानक सी हैड अ साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। सी टर्न राउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम, वहां पर टॉम था, नियर द कबोर्ड डोर, आलमारी के दरवाजे के पीछे। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और वहां पर उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था, यानी मौसी जी टॉम को ढूंढ रहे थे, टॉम जब मिला तो उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पैसेज हम आपको अगली वीडियो में स्टडी कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।